मीनू बताने जा रही हूँ, आप करते हैं एलपीजी का इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें ये 12 गलतियाँ। रसोई गैस का यूज़ तो सभी घरों में होता है, लेकिन इसकी सुरक्षा की बारीकियों की जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं। गैस को सही रखने का तरीका और इनकी सावधानी से जुड़ी कई बातों को लोग सीरियस नहीं लेते। ऐसी यूजफुल टिप्स जो है हर एक को फॉलो करना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। गैस का पाइप हमेशा ISI मार्क वाला ही लें। रबड़ पाइप की मैक्सिमम लंबाई करीब 1 से 1.5 मीटर रखें। इससे इंस्पेक्शन में आसानी होती है। रेगुलेटर के नोजल को रबड़ पाइप से ठीक से कवर करें और हर 2 साल में इसे रिप्लेस करें। ध्यान रखें कि रबड़ पाइप गर्म बर्नर से टच ना हो या कहीं से मुड़े नहीं। रबड़ पाइप को रेगुलर गीले कपड़े से साफ करें, लेकिन सफाई में साबुन का गलती से भी यूज ना करें। पाइप को रेगुलर चेक करते रहें ताकि इस पर क्रैक्स होल या कोई गड़बड़ी हो तो टाइम पर पता चल जाए। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट या स्लीप से रबर ट्यूब को कवर ना करें। ऐसा करने से कुछ गड़बड़ होने पर पता नहीं चल पाएगा। रेगुलेटर सिलेंडर को भी रेगुलर चेक करना चाहिए। अगर गैस की स्मेल आ रही है तो घर का कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ ना करें। स्टोव के नॉब्स भी ध्यान से बंद कर दें। गैस लीकेज होने पर माचिस जलाने की गलती ना करें। ऐसा होने पर रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाकर ऑफ कर दें और सभी खिड़की दरवाजे खोल दें। स्मेल आना बंद नहीं हो रही है तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स या हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कांटेक्ट करें। ऐसी कंडीशन में रेगुलेटर अलग करके सिलेंडर बाल पर सेफ्टी कैप फिक्स कर सकते हैं। जब भी खाली सिलेंडर डिसकनेक्ट करें तो किचन या आसपास के कमरों में दिया मोमबत्ती या कुछ भी जल रहा हो तो उसे पहले बुझा दें। अब रेगुलेटर नाप को भी ऑफ पोजीशन में लाएं। रेगुलेटर से उसकी ब्लैक प्लास्टिक लॉकिंग रिंग पर प्रेशर बनाकर अपनी ओर खींचे, इससे यह डिस्टैच हो जाएगा। रूम में 2 से ज़्यादा सिलेंडर कभी ना रखें। 2 सिलेंडर रखने के लिए किचन में 10 स्क्वायर मीटर का फ्लोर एरिया होना चाहिए। सिलेंडर ऐसी जगह ना रखें जहां से ओवरहीट होने का खतरा हो।
कोई गर्म अप्लायंसेस या ज्वलनशील आर्टिकल भी जमीन पर सिलेंडर के नज़दीक ना रखें। सिलेंडर को हमेशा धूप, बारिश, धूल, मिट्टी और गर्मी से बचाएं। सिलेंडर के ऊपर कोई बर्तन या कपड़ा ना रखें। गैस चूल्हा सिलेंडर से हमेशा 6 इंच की ऊंचाई पर रखें और उसे हवा के डायरेक्शन से बचाएं। सिलेंडर भरा हुआ हो या खाली, हमेशा उसके बाल पर प्लास्टिक सिक्योरिटी कैप जरूर लगाएं। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।